तो हाय दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग जो बात करेंगे वो है कि पोल्ट्री फार्म में आपको कितने ड्रिंकर यूज़ करने हैं, कितने फीडर यूज़ करने हैं, इन सब का मैनेजमेंट कैसे करना है। आज के वीडियो में हम लोग ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई जो इस चैनल को से जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मेरे द्वारा आपको सबसे सटीक जानकारी मैं कोशिश करता हूं बताने की कोशिश करता हूं, कोई भी गलत जानकारी मेरे द्वारा ना दी जाए आपको, मैं इसी की ध्यान रखता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फीडर और डिंगर के बारे में। तो देखिए, मैं आपको एक हज़ार बर्ड के ऊपर बताता हूँ कि कितने फीडर लगाने हैं, कितने डिंगर लगाने हैं। आपके अगर एक हज़ार बर्ड हैं तो एक हज़ार बर्ड के लिए आपको 20 ड्रिंकर लगाने हैं, 20 फीडर लगाने हैं। एक हज़ार बर्ड है, एक हज़ार बर्ड के लिए आपको 20 ड्रिंकर लगाने हैं, 20 फीडर लगाने हैं। ओके, आप लिख लीजिएगा। अगर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, उस केस में आपको 30 ड्रिंकर और 30 फीडर लगाने होंगे। जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अधिक गर्मी होती है, अधिक गर्मी होने के कारण मुर्गा जो होता है वो ज़्यादा पानी पीता है, ठीक है, और दाना भी ज़्यादा खाता है। सर्दियों की बात अलग है, ठीक है, सर्दियों में कम पानी पीता है बर्ड। तो आप 1000 बर्ड से कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना फीडर लगाने हैं, कितने ड्रिंकर्स लगाने हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि कितने आपको फीडर लगाने हैं, कितने आपको ड्रिंकर लगाने हैं, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके 2000 बर्ड हैं तो 40 फीडर, 40 ड्रिंकर आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह और इसी तरीके की नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर भाई हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की नॉलेज से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल पर आपको आप देख सकते हैं लिस्ट में जाके, मैंने कई सारे टॉपिक पे पोल्ट्री से रिलेटेड और फिश से रिलेटेड जो भाई हमारे फिश फार्मिंग करते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग भी साथ में करते हैं, उनके लिए दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है ये, और पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं अकेला तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट चैनल है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हैं मेरे द्वारा, मुझे जितना आता है वो मैं जितना सीख रहा हूँ वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ है, हम लोग काम कर रहे हैं फीड के मैन्युफैक्चरिंग पे और हैचरी पे, धीरे धीरे पढ़ते हैं ना। तो ओके दोस्तों, आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह, थैंक यू।